हेलो सो टेक न्यूज में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूं आज आपको टेक न्यूज जो वो टाइम से मिल गई होगी। अगर मिल गई है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा मिस नहीं करते, बहुत गर्मा गर्म टेक न्यूज आ गई है तो फटाफट से यहाँ पे आज की टेक न्यूज जो वो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो पहले खबर की बात करते शुरुआत करते हैं कि यहाँ पे गूगल से, जी हाँ फाइनली यहाँ पे गूगल का पिक्सल 3 XL जो वो लॉन्च हो चुके हैं और एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे आप लोग को इसमें बहुत ज्यादा प्राइस जो वो देखने को मिल रही है। जी हाँ, यहाँ पे अफसोस इस बात का ये हो रहा है कि जैसे कि एप्पल ने अपने आईफोन लॉन्च किया था तो यूएस के लिए प्राइस अलग थी, इंडिया के लिए प्राइस अलग थी, वैसे यहाँ पे गूगल ने भी कुछ सीन कर दिया है। वहां पे जो यूएस में लॉन्च हुए ना, वहां पे जो प्राइस दे रहे हैं आप, उससे 11-12 हजार रुपए आपको ज्यादा जो वो इंडिया में देने पड़ रहे हैं। तो गूगल जो पिक्सल 3 ये आपको दो वेरिएंट्स में मिलता है, 64GB और 128, जो बेस वेरिएंट है वो आपको 71,000 रुपीस के आसपास मिलता है और जो 128 वाला वो आपको 80,000 रुपए में मिलता है। जी हाँ, ये पिक्सल 3 है और पिक्सल 3 XL स्टार्ट हो रहा है 83,000 से 64GB वाला और उसका जो हायर वेरिएंट 128 वाला वो आपको मिलता है 92,000 रुपीस में। जी हाँ, ये हो चुका है फाइनली, क्योंकि हम अक्सर एप्पल को ट्रॉल करते हैं तो अब यहाँ पे गूगल की बारी है। बात करते हैं यहाँ पे इन फोन्स में आपको क्या मिलता है, तो दोनों के अंदर आप लोग को ज्यादा फर्क नहीं मिलता है। गूगल पिक्सल 3 जो है उसमें आपको 5.5 इंच की आपको एक फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले मिलती है, ये एक ओलेड वाली आपको डिस्प्ले मिलती है, लेकिन इसमें कोई नॉच वाला खेल नहीं है, आपको प्रॉपर डिस्प्ले मिलती है 18:9 वाली। और साथ में यहाँ पे जो गूगल पिक्सल 3 XL है वहां पे आप लोग को 6.3 इंच की जो वो एक कोड एचडी प्लस वाली जो डिस्प्ले मिलती है वो भी ओलेड वाली है, लेकिन वहां पे आप लोग एक बहुत ही बुरा सा और अगली सा नॉच मिलता है। इसको एक्चुअली में आप नॉच नहीं बल्कि एक बड़ा सा ऊपर का चिन्ह बोल सकते हैं, लेकिन इसमें नीचे की तरफ जो चिन्ह देखते हैं ये भी बहुत ही गंदा सा जाड़ा सा आपको मिलता है, मतलब एटलीस्ट चिन्ह भी छोटी करते नीचे की तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो मतलब डिजाइन के मामले में इतना कुछ खास आपको नहीं मिलता है, आपको बैक में थोड़ा सा ग्लास फिनिशिंग मिलती है, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन है और फ्रंट में भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, 6 और 128GB की स्टोरेज में आपको ये मिल जाता है और साथ में यहाँ पे 12+2 मेगापिक्सल का दोनों के अंदर आपको एक सिंगल रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, 1.8 का अपर्चर है। ये ऑब्वियसली कैमरा किंग स्मार्टफोन है तो इससे ज्यादा मैं बात नहीं कर सकता हूँ। सेल्फी यहाँ पे आपको डुअल मिलती है 8+8 मेगापिक्सल की, मतलब अभी आपको और इम्प्रूव्ड सेल्फी जो वो देखने को मिलेगी। साथ में जो गूगल पिक्सल 3 है इसमें 2915mAh की बैटरी है तो गूगल पिक्सल 3 XL में आपको 3430mAh की आपको बैटरी मिलती है। स्नैपड्रैगन का 845 वाला ऑब्वियसली इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, 18W का चार्जर आपको साथ में देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको गूगल पिक्सल का एक नया उन्होंने जो वो चार्जर लेके आ गया है जिसको चार्जर स्टैंड बोलते हैं, जिसके द्वारा आप अपने फोन को वायरलेस चार्ज कर सकते हैं फास्ट, जो कि 6,900 रुपए की इसकी प्राइस रखी गई है। इंडिया के अंदर आप इसको 10 अक्टूबर से, यानी कि आज नहीं सॉरी कल से 11 अक्टूबर से इसको जो वो प्री ऑर्डर कर सकते हैं और फ्लिपकार्ट से और एयरटेल की स्टोर और ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी जाके, और साथ में ये 1 नवंबर से जो वो अवेलेबल हो जाएगा। और गूगल ने खाली वही नहीं, बहुत सारी चीजें लाया है, क्रोमकास्ट का कुछ 3rd जनरेशन वर्जन लेके आया जो $35 का है, वो आपको एक्चुअली इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा, और पिक्सल स्लेट और स्मार्ट होम हब वगैरह सब कुछ जो लेके आया। फिलहाल के लिए इंडिया में पिक्सल 3 और 3 XL ही आपको मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं, सिर्फ कैमरे के लिए हम इतना ज्यादा पैसा नहीं दे सकते, बाकी किसी चीज आपको इतनी खास देखने को नहीं मिलती है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है पिक्सल 3 XL आपको कितने अच्छे जो वो लगते हैं। तो यहाँ पे ओप्पो की तरफ से खबर आ रही है और मैं एक ही चीज कहता हूँ, एक्चुअल में यहाँ पे ओप्पो ने इस बार बहुत ही अच्छा काम कर दिया है और ओप्पो ने यहाँ पे अपना K1 करके एक स्मार्टफोन जो वो चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया है, जो कि बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन है जिसके अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। जी हाँ, बहुत टाइम से ये खबरों में आ रहा था, फाइनली अभी ये लॉन्च हो चुका है। 6.4 इंच की आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है, फुल एचडी प्लस वाली, आपको स्नैपड्रैगन का ना 660 वाला प्रोसेसर मिलता है। जी हाँ, और साथ में आपको यहाँ पे 4GB रैम, 64GB स्टोरेज और 6GB रैम, 64GB स्टोरेज, दो अलग अलग वेरिएंट मिलते हैं। 16+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर फेसिंग कैमरा है और 25 मेगापिक्सल की सेल्फी भी है, 3600mAh की बैटरी भी अच्छी है, मतलब अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में आपको ये फोन मिल रहा है। 17,000 रुपए की जो प्राइस रखी गई वो बेस वाली की 464 और 19,000 वाली की है 664, मतलब यार किल कर दिया है प्राइस के मामले में। तो ये चाइना में लॉन्च हुआ है और मुझे ज्यादा कैसे लग रहा है, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ये इंडिया में भी आएगा और इसी प्राइस सेगमेंट में आएगा, क्योंकि वीवो V9 Pro भी हमें पता है कि 17-18 हजार में आपको 660 दे रहा है। देखते हैं कितना जल्दी ये फोन आता है, इस बार मैं ओप्पो के इस वाले डिवाइस से काफी खुश हूं। और साथ में ओप्पो का जो R19 है यहां पे इसके कुछ लीक्स जो वो सामने आ चुकी है और बताया जा रहा है कि इसके अंदर आप लोग को अंडर डिस्प्ले कैमरा जो वो देखने को मिल सकता है। जी हां, ओप्पो का जो R19 आएगा अंडर डिस्प्ले, ऊपर की तरफ आप देखेंगे फीचर आई है सामने से एक डॉट दिख रहा है डिस्प्ले के अंदर, ये आपको अंडर डिस्प्ले कैमरे के साथ में मिलेगा, जो मार्च 2019 में आएगा ये भी यहां पे जो सामने आ चुका है। मतलब ओप्पो वीवो देख लीजिए कितना इनोवेशन करते हैं और हम अक्सर इनको ट्रॉल भी करते हैं, लेकिन यही कंपनी से जो
कुछ ना कुछ नया हमारे लिए लेके आती है। तो मतलब ये भी एक नया ट्रेंड होने वाला है 2019 में जो अंडर डिस्प्ले कैमरे के साथ में आपको मिलेगा। अब देखते हैं इसमें आपको और एडिशनली क्या कुछ मिलेगा। स्नैपड्रैगन 710 वाला प्रोसेसर आएगा ये भी बताया जा रहा है, ये तो हमें अगले साल ही पता चलेगा और बहुत सारे लीक्स भी वैसे आते रहेंगे। तो अभी Xiaomi की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग खबर आती है और Xiaomi का जो पोको फोन F1 है ये यहाँ पे बताया जा रहा है आप लोगों को सिर्फ 5799 रुपीस में मिल सकता है। रिसेंटली यहाँ पे आज Xiaomi ने जो एक नया ट्वीट किया है जिसमें वो लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जहां पे आप ये पिक्चर देखेंगे आपके सामने जो वो दिखाई जा रही है इसमें बताया जा रहा है कि जो एक्चुअल पोको फोन F1 है उसका जो बेस वेरिएंट है वो आपको 21999 में मिलता है। अगर आप उसमें 1000 रुपए डिस्काउंट लगाते हैं तो 24999 का होता है और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे एक्सचेंज वैल्यू मिलती है उसका भी 500 रुपए काट देंगे और फाइनली आपको यहाँ पे जो 70% बायबैक वैल्यू मिलता है अगर आप 6 से 8 महीने के लिए 8 महीने बाद एक नए पोको फोन के ऊपर अपग्रेड करते हैं तो उसकी वैल्यू पड़ जाएगी आपको 14700 रुपए की। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो फोन आपको 5799 रुपीस में जो वो पड़ जाता है। तो इसका मतलब ये लोग ये भी एक हिंट दे रहे हैं कि 6 से 8 महीने बाद आपको एक नया Xiaomi का फोन भी जो वो पोको फोन जो वो देखने को मिल सकता है। ये एक्चुअली में एक मार्केटिंग गेमिंग होती है जो कंपनी इस तरीके का लेके आती है और बाद में बोलती है कि हाँ इतने में आपको ये फोन पड़ता है। तो हम फोन लेके क्या हम उसे 5-6-7 महीने बाद जो वो देख के दूसरा फोन लेंगे या आप ये फोन लेके कुछ सालों तक यूज करेंगे, ये कंपनी का स्कीम है जो आप Xiaomi नहीं बल्कि सारी कंपनी करती है। तो अगर आपको ठीक लगता है तो सेल में जाइए फ्लिपकार्ट की और ट्राई करके देख लीजिए क्या पता आपको ऐसा कुछ मिल जाए। तो अभी Huawei की तरफ से खबर आ रही है और Huawei का जो Mate 20 Pro है ये अभी रिसेंटली बहुत जल्दी जो वो लॉन्च हो जाएगा ना, लेकिन उससे पहले यहाँ पे अभी इसकी लाइव पिक्चर जो वो सामने आ चुकी है और शायद से ये पहली लाइव पिक्चर होगी जो आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं। और इसमें जो प्रीवियसली रूमर आ रहे थे कि आपको यहाँ पे स्क्वायर शेप यहाँ पे जो कैमरे पीछे की तरफ मिलेंगे तो 3 कैमरे आपको यहाँ पे क्लियरली जो वो दिखाई दे रहे, साथ में एक फ्लैश लाइट दिख रही है और ऊपर की तरफ लीका का आपको जो वो ब्रांडिंग दिख रहा है, मतलब ट्रिपल कैमरे के साथ आपको ये फोन मिलेगा रियर के अंदर। और साथ में आप देखेंगे सामने का जो डिस्प्ले आपको एक नॉच दिख रहा है और एक बड़ी सी डिस्प्ले होगी ऐसा बताया जा रहा है कि 6.9 इंच की डिस्प्ले होगी, लेकिन पीछे आप देखेंगे फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं, तो मतलब सामने की तरफ आपको अंडर डिस्प्ले मिल सकता है या फिर ये एप्पल की तरह स्किप भी कर सकता है, ये इनकी मर्जी हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये फोन आएगा Kirin के 980 के प्रोसेसर के साथ में जो बहुत ही पावरफुल होगा। शायद से ना ये 15 या 16 अक्टूबर को लंदन में लॉन्च होगा ना, तो ये शायद Huawei के Mate 20 Pro आने वाले हैं। अब देखते हैं जब भी ये आएगा मैं आप लोगों को उस दिन इसके बारे में और भी जानकारी जो वो बता दूंगा। तो यहां पे PUBG मोबाइल के अंदर आप लोग एक नया अपडेट जो वो देखने को मिलेगा 0.8.5, लेकिन अभी यहां पे इसके ऊपर ज्यादा जानकारी जो वो नहीं आई कि एक्चुअली में आपको यहां पे क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पे बताया जा रहा है कि आप लोग को जो जापान के अंदर एक स्ट्रीट वेयर ब्रांड एक्सेसरीज वाली कंपनी जो है उसके ऊपर यहां पे आप लोगों को कुछ अपडेट्स देखने को मिलेगा जो कि BAPE नाम है, यानी कि बापे या बेप आप उसको बोल सकते हैं। तो आपको फ्राइंग पैन मिलेगा बेप वाले, आपको यहां पे कुछ शार्क हुडीज मिलेगी और आपको बहुत सारी अलग अलग एक्सेसरीज मिलेगी जिसका आप गेम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस यहां पे कुछ बग्स वगैरह भी फिक्स्ड करेगा और कुछ नई चीजें आपको यहां पे देखने को मिलेगी। तो PUBG का 0.8.5 वाला अपडेट बहुत जल्दी मिलने वाला है, जाइए अपडेट कर लीजिए और जैसे हरकतें पहले कर रहे थे वो हरकतें को कंटिन्यू कर लीजिए। तो यहां पे हार्डवेयर हैकिंग के बारे में फिर से यहां पे एक किस्सा जो सामने आ चुका है और मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले अपने टेक न्यूज़ में बता दिया था इसके बारे में कि क्या होता है कि जैसे कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैकिंग होती है ना वैसे हार्डवेयर से रिलेटेड भी हैकिंग होती है। जो पार्ट्स होता है ना हार्डवेयर का उसके ऊपर ना एक छोटी सी चिप लगाई जाती है जो चावल के दाने के बराबर होती है और वो जाती है पर्टिकुलर कंपनीज में जो अपने जो इस पार्ट को ऑर्डर देती है, फिर वहां पे जब वो अपने सर्वर में इस्तेमाल करती है ना तो फिर वो ट्रैक वगैरह किया जाता है। अब यहाँ पे चाइना के अंदर पहले ये एक्चुअली भी जहां पे चिप लगाई जा रही है वो चाइना के अंदर हो रही है और जो उसको ऑर्डर दे रहे वो US के अंदर कंपनी से, पहले Amazon और Apple इसका शिकार बन गए थे, अभी US के अंदर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो अपना नाम नहीं बताने जा रही है वो भी इसका शिकार बन गई है। एक्चुअली में यहाँ पे जो लोग वो लोग अपने जहां से पार्ट्स को ऑर्डर दे रहे वो कंपनी है सुपर माइक्रो कंप्यूटर जो चाइना के अंदर उनकी फैक्ट्री वहां पे मैन्युफैक्चर होता है, तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं वो एक्चुअली वो कंपनी बोल रही है कि हमें नहीं पता कि हमारे पार्ट्स में कौन चिप लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे चाइना के अंदर यहाँ पे बता दे रहे कि उस पर चिप लगा के अमेरिका में भेजा जा रहा है और वो चिप चाइना के अंदर उनकी फैक्ट्रीज में लगाया जाता है, अमेरिका में जाती है, जब वो सर्वर में इस्तेमाल करते हैं तो चाइना उसको जो वो ट्रैक करता है। अब ये फिर से तीसरा किस्सा सामने आ चुका है, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि Amazon और Apple काफी बड़ी कंपनी है और ये भी एक काफी बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी होगी जिसका नाम नहीं बताया जा रहा है। अब ये कब तक चलेगा, कितनी कितनी कंपनीज में चाइना ने फैक्ट्रीज में जाकर चिप लगाया और सुपर माइक्रो कंप्यूटर भी परेशान हो चुका है, आगे देखते हैं क्या होता है, इस पर बहुत सारी जानकारी आपको मिलते रहेगी। तो यहाँ पे फाइनली माइक्रोमैक्स का यूफोरिया टीवी जो वो आ चुका है, जी हाँ यू ब्रांड का अभी आपको एक टीवी जो वो देखने को मिलने वाला है जिसकी प्राइस रखी हुई है 18499 और ये आपको एक फुल HD डिस्प्ले वाला जो वो टीवी मिलता है आपको 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ में भी आता है। कोड कोर का आपको यहाँ पे जो वो प्रोसेसर मिलता है और एंड्रॉइड बेस्ड टीवी आपको मिलता है जिसमें आपको एप्टॉइड के जरिए एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का मौका मिलता है और USB पोर्ट, HDMI पोर्ट, वाईफाई कनेक्टिविटी वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलता है। तो अच्छी बात है कि माइक्रोमैक्स का यूफोरिया टीवी आ चुका है, प्राइस
ठीक है, अच्छा है। अभी तो वैसे बहुत कंपटीशन हो गया ना टीवी के अंदर भी, कि आपको नहीं पता, मतलब इतना ज्यादा कंपटीशन हर कैटेगरी में होगा कि आदमी कंफ्यूज्ड होगा कि मैं यार मैं ये लू कि मैं वो लू। मैं तो आपको एक ही चीज बोलता कि जो पसंद आता है ना वही लेना, कंफ्यूज यहाँ पे होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम की तरफ से खबर आ रही है, और इंस्टाग्राम ने यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी को थोड़ा सा और मजबूत कर दिया है, और आपको यहाँ पे एक और एडिशनल ऑप्शन दे दिया है अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को सिक्योर करने के लिए। जैसे कि पहले आपको SMS बेस्ड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मिलता था, तो अभी यहाँ पे उसके अलावा भी आपको यहाँ पे एक ऐप बेस्ड ऑथेंटिकेटर जो वो देखने को मिलेगा। जी हाँ, इसका मतलब ये होगा कि पहले क्या होता था कि आपको एक SMS आता था, उसके द्वारा आप वो OTP कोड वगैरह डाल के ऑथेंटिकेट करते थे अपने आप को, लेकिन अभी आपको इंस्टाग्राम की सेटिंग्स में जाएंगे तो वहां पे आपको यहाँ पे एक ऐप बेस्ड ऑथेंटिकेटर मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि गूगल का या माइक्रोसॉफ्ट का डिवाइस आप यूज करते हो, उनका खुद का पर्सनल ऑथेंटिकेटर होता है, उसके द्वारा ही इंस्टाग्राम आपको जो मतलब वेरीफाई करेगा कि एक्चुअली में आप यहाँ पे इसके जो यूजर है, मतलब कोई SMS वगैरह का सीन यहाँ पे नहीं होगा, डायरेक्टली ऐप बेस्ड आपको ऑथेंटिकेशन यहाँ पे जो देखने को मिल रही है। तो इंस्टाग्राम के अंदर भी ऑप्शन आ चुका होगा, सेटिंग्स के अंदर अगर आप अपडेट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम से अभी आप जब आपको वेरीफाई करेगा इंस्टाग्राम तो प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको SMS पे बेस्ड नहीं होना पड़ेगा, आप डायरेक्टली ऐप बेस्ड से ही अपने आपको वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी सैमसंग की तरफ से खबर रही है, और सैमसंग के जो अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेंगे गैलेक्सी S10 वाले, ये पहली बार यहाँ पे सर्टिफिकेशन साइट पे जो वो देखे गए। जी हाँ, मतलब इनकी ओपनिंग हो चुकी है, और चाइना की CMIIT वाली एक सर्टिफिकेशन साइट है वहां पे ये आ चुके हैं, और इनके मॉडल नंबर भी जो वो देखे गए SMG9700, SMG9730 और एक SMG9750। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग स्क्रीन साइज में 5.8, 6.4 समथिंग, 6.1 हो गए, लेकिन एक अलग वेरिएंट जो होगा जो फाइनल वाला होगा उसमें आपको 2 वेरिएंट्स मिलेंगे, जो प्रीमियम वाला होगा एक 5G वाला भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब S10 में बहुत सारी चीजें मिलेगी, लेकिन इसमें डिजाइन जो होगी उसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस भी मिलेगी, ऐसा यहाँ पे कंपनी की CEO ने फाइनली कंफर्म किया था। मतलब बहुत अच्छा डिजाइन आपको इस बार जो देखने को मिल सकता है, देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ खास सैमसंग के फोन्स लेके आते हैं, ये तो हमें अगले साल ही पता चलेगा। क्या आपको यहाँ पे पता है कि जो रोबोट वर्ड है, जो रोबोट होते हैं ना उनका जो नाम है ना रोबोट, ये एक्चुअली में आया है, ये जो डिराइव्ड हुआ है वो जैक से हुआ है, जिसको बोलते हैं रोबोटा। इसका एक्चुअली में मतलब होता है किसी को फोर्सफुली काम करवाना। जी हाँ, मतलब ये जो रोबोट होते हैं ना हम इनसे फोर्सफुली काम करवा रहे हैं, शायद से इसलिए इसको जो रोबोट नाम यहाँ पे दिया गया है। तो आज की वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता आपको आज की लेटेस्ट पसंद आएगी, अगर आपको पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, मैं आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।